हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसल, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नया पेपर लेकर आया हूं और ये पेपर एबीबीएससी का है जो आज ही के दिन होने हो चुका है भाई। तो आपको बता दें, आज हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर में जो क्वेश्चन हैं किस टाइप के आए हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और एक बात का मुझे दुख है, उस दुख के पीछे क्या कारण है वो मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मूड ऑफ हो चुका है एक कारण से, और वो कारण भी आप लोगों को बताऊंगा। एमयू ने बहुत ज्यादा माइंड अपसेट किया है, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। उस क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, समझना और कोशिश करके बताना कि कौन कौन सा क्वेश्चंस मतलब कि ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा, आपको बस चेक करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 18वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। फाइब्रोस प्रोटीन अमंग द लॉन्ग एज। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, इंसुलिन और क्रिएटिन। इसमें आप लोगों को बता दें, ये रेसेदार जो प्रोटीन होती है ये क्रिएटिन प्रोटीन होती है, अल्फा क्रिएटिन प्रोटीन भी बोल देते हैं, जिसमें गाय के सींग, हमारे नाखून, बाल जो होते हैं ये क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं। इंसुलिन, हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन जो होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो इसका 18वें का जो आंसर आएगा वो आपको पता चल गया क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बता दें, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोमिंग इज नो एस एनिमल स्टार्च। तो आपको बता दें, एनिमल स्टार्च के रूप में जो यूज होता है वो ये होता है ग्लाइकोजन। तो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर होता है ना वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर आ चुका है 19 वाले का सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला है, 20। विच ऑफ द फ्लोमिंग इज नॉन शुगर। आपको बता दें, जो सेलुलोज है ना, सेलुलोज जो होता है ये नॉन शुगर है। ग्लाइकोजन, जाइलोज और फ्रक्टोज, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सॉरी ये जो ऑप्शन है ये आपके होंगे शुगर। ये स्वाद मीठे होते हैं, जो सेलुलोज है स्वाद मीठा नहीं होता, ठीक है। और ये तीनों क्वेश्चन और इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको बता दें ये लिए गए हैं बायोमोलिक्यूल से। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों को मैंने बोला भी था कि बायोमोलिक्यूल जैव अणु वाली वीडियो को देख लेना, ये वहीं से लिए गए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा 21। द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट इज। तो ये कोफैक्टर एंजाइम के रूप में यूज होता है ये मैग्नीशियम। तो इसका आंसर आएगा 21 का सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज इज ए टाइप ऑफ। देखो, जिसके पीछे लेज एज सब आया ना, ये एज सब आया, तो इसका मतलब ये एक एंजाइम है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम है, लाइस एंजाइम है, ऑक्सीडोरेज एंजाइम है या आइसोमेरेज एंजाइम है। तो आपको बताया, हिस्टिडीन जो होता है डाइकार्बोक्सिलेज वाला जो है ये ऑप्शन बी लेज जो एंजाइम है, ये आपका आंसर इसका आने वाला है और यही इसका आंसर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द ग्राफियन फॉलिकल आर कनेक्टेड बाई ए फ्लूड फील्ड कैविटी कॉल्ड। तो आपको बताते हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होती है जो कि फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर रहती है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा बी, एंटरम वाला जो है ये इसका आंसर है सही वाला। आगे बढ़ते हैं 24 की तरफ, ए क्रॉस ब्रिज फॉर्मेड ड्यूरिंग स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू। ये मसल्स है ना, ये जो मसल्स दिखाई दे रही हैं इसकी बात की जा रही है। तो इसमें एक्टिन और मायोसिन जो होता है इसका यूज होता है। तो देखो, एक्शन बाइंडिंग ऑफ एक्सेप्शन मायोसिन भी हेड। तो इसका जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगा इसका क्या आंसर है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूं अभी मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 25। द वॉल्व प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ऑर्टा इज नो एस। तो पल्मोनरी ऑर्टा की तरफ जो होगा इसका आंसर ट्राइकप्सिड वाल्व आना चाहिए, ट्राइकप्सिड वाल्व, तो सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दे रखा है, आपको बता दें, द इंटरडिगेशन ऑफ क्रोनिक विलाई एंड यूरिन यूटेरिन टिश्यू इन द ह्यूमन फीमेल फ्रॉम द। अरे तो मतलब ये कह रहा है कि मतलब कि विलाई है, क्रोनिक विलाई और यूटेरिन टिश्यू, ये दोनों आपस में मतलब कि जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, प्लेसेंटा के थ्रू। तो प्लेसेंटा के द्वारा जो गर्भाशय है, गर्भाशय में जो भ्रूण जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा के थ्रू जो जुड़ा रहता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लेसेंटा, डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं। लाइट नहीं आ रही है इधर, मतलब पंखा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। अगला है, हु रोट द बुक सिस्टमा नेचुरी। तो सिस्टमा नेचुरी किसने दी थी, पता है नहीं, अरे ये तो तुम लोगों को पता होगा।
निश्चित पता होगा। सिस्टमा नेचुरी का जो आंसर है आप मुझे कमेंट में करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मुझे 99% नहीं 99.9% जो है कैरुलस लीनियस जो थे उन्होंने दिया था, तो ऑप्शन डी आएगा। अगला, विच ऑफ द फ्लोमिंग एनिमल इज डिप्लोब्लास्टिक एंड सो रेडियल सिमेट्री। तो डिप्लोब्लास्टिक जो था वो हाइड्रा था और रेडियल सिमेट्री, तो हाइड्रा ही आंसर आएगा इसमें, दे रखा है ऑप्शन ए हाइड्रा। 28 का जो है वो ए आएगा। अगला है एंट्री ऑफ सर्टेन एलील इनटू द लोकल जीन पूल ऑफ होस्ट पॉपुलेशन इन सर्टेन एस। तो इसका जो आंसर जो मुझे लग रहा है 99% जेनेटिक ड्रिफ्ट या जीन माइग्रेशन, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। अगला है ए टिश्यू ग्राफ्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल टू जेनेटिकल डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। तो इसका जो सेम स्पीसीज में जो आएगा वो आएगा ये वाला एलो ग्राफ्ट वाला जो आंसर है ऑप्शन ए यही है। अगला है 31, बोथ सीलिया एंड फ्लेजेला इमर्ज फ्रॉम। तो ये बोसल मतलब बेसल बॉडीज होती हैं, ऑप्शन ए आएगा इसमें आंसर। अगला हमारे पास दे रखा है ब्रॉन्जिंग ऑफ द लीव इन टाइपिकल कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो आयरन आएगा इसमें एफ ई। अगला है इंटरफेरॉन इज, इंटरफेरॉन क्या होता है, एंजाइम तो नहीं होता, हार्मोन्स भी नहीं होता, लिपिड्स भी नहीं होता, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, और ये मैंने आपको डिजीज वाले चैप्टर में भी पढ़ा रखा था, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा। मैं आपको थोड़ा स्पीड में लेकर चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिससे कि कम टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। गर्मी लग रही है। विच ऑफ द फ्लोमिंग इज मोस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द डिकम्पोजिशन, तो इसका आंसर आएगा लिग्निन, बी आएगा इसका आंसर। अगला है हमारे पास अल्फा डाइवर्सिटी, ये मैंने अभी नहीं देखा है। इंटरकाइनेस वाले में ऑप्शन बी आएगा, स्टेट बिटवीन टू म्यूटिक डिवीजन। अगला हमारे पास दे रखा है द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इम्पेरिबल वैक्स मेटल ऑफ द टेंजिटियल वेल एस रेडियल वेल बेरियर सेफ्ड सेल द करेक्टर ऑफ, इसका आंसर जो होगा 99% ये आएगा, हाइपोडर्मिस वाला जो है, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा। आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है, देखो जिस तरीके से टीचर मेहनत करते हैं उस तरीके से अगर बच्चे भी मेहनत करना शुरू कर देना तो मजा आ जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, मैंने देखा है खुद, ठीक है। अगला है ये दे रखा है हमको मेंडल फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो युग्मकों की शुद्धता का जो नियम था वो सेकंड लॉ था ये, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये हो जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बी ऑप्शन। अगला है अगले का देखो, हाँ अगले का मेरे को नहीं पता क्यों मैं झूठ बोलूँ आप लोगों से, ठीक है, इसका मुझे नहीं पता तो मैं इसका नहीं बता सकता। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, अभी तो होंगे एग्जाम्पल ऑफ, नहीं ये भी नहीं है, नहीं, हाँ जी मिल गया मुझे, ये वाले क्वेश्चन मिल गए हैं आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये विच ऑफ द फ्लोमिंग कॉज्ड बाय वूफिंग कफ, तो वूफिंग कफ में ये आएगा बोर्डेटेला पर्टिट्यूस, ठीक है, डीपीटी की बीमारी जो होती थी ना, तो पीत से पर्टिट्यूस आता था मुझे इसलिए बताया, तो इसका आंसर बी आएगा 69 का। इट्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इनटू इंडिया इन द ईयर, ओ भाई इंडिया पूछा है इसने, ठीक है, पहले मैंने जो आंसर जो मैंने सोचा था 1981 सोचा था, लेकिन इसमें इंडिया दे रखा है तो इंडिया में 1986 आएगा 99%। मुझे चेक करके बताना कि 1986 है या 1981 है, मेरा तो आंसर है 1986, सी है 70 का। अगला विच ऑफ द फ्लोमिंग कंपाउंड डज नॉट कॉज हार्डनेस वाटर, ये वाला हमारे काम का नहीं है, हाँ ये वेन WHO डिक्लेयर COVID-19 वास पेंडेमिक, इसमें आपका आएगा 11 मार्च 2020, ये आएगा। नोबेल प्राइज इज नॉट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ, तो नोबेल प्राइज मैंने कभी म्यूजिक में तो नहीं देखा है, तो इसलिए मेरा आंसर जो आएगा वो सी आएगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए हैं बायोलॉजी वाले, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको जैसा कि बोला था कि मेरा बहुत मूड ऑफ है, तो मूड पता क्यों ऑफ है, मूड इसलिए ऑफ है क्योंकि इनकी जो मैं जब मैंने सिलेबस देखा था, जब मैंने चैप्टर्स देखे थे ना, और मैंने बच्चे से मांगा भी था, तो ज्यादातर केस में जो बच्चों ने मेरे पास सेंड किया था वो सेंड किए थे 12th के चैप्टर थे, इसमें रिप्रोडक्शन के थे, रिप्रोडक्शन का ऐसा मुझे कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, जेनेटिक के थे तो जेनेटिक का मुझे इसमें एक दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ में इसमें था डिजीज वाला, तो डिजीज वाला में दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं,
बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं है। एनवायरमेंटल वाला जो लास्ट वाले जो चैप्टर है वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन पता कहां से डालते हैं, फर्स्ट ईयर में से डाल दिया इन्होंने। ये जो मतलब कि जेबडू बायोमोलिक्यूल से इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, और मतलब कि खनिज लवण मिनरल्स वाला जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर में उससे ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जबकि जब मैंने इसका सिलेबस बच्चों से मांगा था तो उस सिलेबस में ये वाले चैप्टर को मेंशन नहीं किया गया था। ट्वेल्थ वाले चैप्टर को मेंशन किया गया था, फर्स्ट ईयर वाले चैप्टर को मेंशन नहीं किया गया था। फर्स्ट ईयर में से इन्होंने पूछे लिया है, इसलिए कुछ बच्चों का हो सकता है कि जो मतलब कि पेपर में क्वेश्चंस में तो आपको प्रॉब्लम आई होगी, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दें आप वो कुछ नहीं किया जा सकता, जैसा पेपर हुआ है अब जैसा है, ठीक है। लेकिन अब आपको प्लान बनाना है, फ्यूचर का प्लान बनाना है। मतलब कि अगर इस बार नहीं हो पाया है तो थोड़ा लॉन्ग सोचो। लॉन्ग का सोचने का मतलब है वन ईयर की तैयारी करनी है आप लोगों को, पूरी साल अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ अच्छे एक एक कॉन्सेप्ट को, चाहे बेस मजबूत करना हो, बेस को मजबूत करना है, फर्स्ट को अच्छे से देखना है, इलेवेंथ को, ट्वेल्थ को, दोनों को अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद में अब आप हमारा क्या काम होगा, दोबारा एक बार हम सब लोग मिलकर एग्जाम देने वाले हैं। और इस बार जो एग्जाम दोगे, इस बार मतलब कि अगली बार जो एग्जाम दोगे 2024 में, वो 101% का हर एक बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, हमारा ये मकसद है। तो आपको बता दें मेरा इसीलिए थोड़ा मूड ऑफ था कि जो सिलेबस में था, सिलेबस फर्स्ट ईयर का मैं पेपर फर्स्ट ईयर में से पेपर दे दिया, उस सिलेबस इंटर का दे रखा था, इसमें थोड़ी मूड ऑफ सेट हो गया मेरा। तो आप लोगों का, आप लोगों को पेपर कैसा हुआ आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। कितने क्वेश्चंस आप लोग करके आए हो और कितने क्वेश्चंस आपके अच्छे गए हैं आप हमें जरूर बताइए। और आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर जनरल एप्टीट्यूड में से, आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।